बिजनेस अपडेट कौन सी कंपनीज के आए हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं बिजनेस अपडेट्स, क्योंकि पहले ही आपको सेंस दे देते हैं कि नतीजे कैसे होंगे और उस पर स्टॉक रिएक्शन भी दे देता है। तो बिजनेस अपडेट और खबरों वाले शेयर लेकर हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, शरद दुबे और गौरव जवलकर। पहले हम गौरव के पास चलेंगे। गौरव बताइए, बिजनेस अपडेट्स किस तरह के आए हैं कंपनीज के? जी हाँ, तो अगर हम आज बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे, क्योंकि कई सारे बैंक्स के अपडेट्स हमारे पास आ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं HDFC बैंक की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे एक वीक नंबर हमें देखने को मिला है बिजनेस अपडेट्स में। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो कहीं पर एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिला, जो कि कंसेंसस एस्टिमेट से काफ़ी कम था। और स्पेसिफिकली अगर हम कासा की बात करें तो वहाँ पर भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है हमें सिक्वेंशियल बेसिस पे, जो कि 5% का था, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है बैंक के लिए। अगली अगर बात करें एडवांसेस की, तो वहाँ पर भी हमें कहीं पर एक डीग्रोथ देखने को मिला था 1% का, जो कि सीक्वेंशियल बेसिस पे है, जो कि फिर से एक बार एक नेगेटिव वे में हम लोग देख सकते हैं बैंक के तरफ रिएक्ट हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं RBL बैंक की, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर बात करें तो एक मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे। एडवांसेस का ग्रोथ हमें कहीं पे 18.3% पर देखने को मिला था, और इसमें भी अगर बात करें रिटेल डिपॉजिट्स तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिला। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे एक म्यूटेड नंबर हमें देखने था वहाँ पे, जो सिक्वेंशियल अगर बात करें तो 2.1% का डीग्रोथ देखने को मिला था। और आगे जाके बैंक का फोकस जो है वो ग्रैनुलर रिटेल डिपॉजिट्स पे रहने वाला है, और इसी के चलते एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे। अगली बात करते हैं IDBI बैंक की, क्योंकि वहाँ पे अगर बात करें तो एडवांसेस में एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिला 17% का, डिपॉजिट जो है वो भी 13% से बढ़े हैं, और ओवरऑल अगर ग्रोथ देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हम बोल सकते हैं IDBI बैंक के लिए। अगली कहीं पे बात करते हैं PSU बैंक्स पे, क्योंकि अगर बात करें सबसे पहले PNB बैंक की, जो कि पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ पे एक इनलाइन नंबर हमें देखने को मिला था। एडवांसेस ग्रोथ जो है वो 12% से बढ़े हैं। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे कहीं पे 8% का ग्रोथ देखने को मिला, बट अगर हम CD रेशियो की बात करें तो एक हेल्दी लेवल पे, और इसी की वजह से एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हम PNB बैंक के लिए कह सकते हैं इस क्वार्टर के लिए। अगली बात करते हैं यूको बैंक की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बात करें तो लोन ग्रोथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला 17.7% का एक नंबर, और इसी के साथ अगर बात करें डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे एक थोड़ा म्यूटेड नंबर जो कि 7.5% पे था वो हमें देखने को मिला Q1 में। बट फिर से जैसे कि हमें PSU बैंक्स में बताया कि CD रेशियो काफ़ी होता है, और इसी के चलते कहीं पे यहाँ पे भी अच्छा अपडेट हमें देखने को मिला था बैंक की तरफ से। इसके अलावा कई बैंक देखते हैं जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और सबसे पहले आता है उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें लोन बुक जो है वो 19% से बढ़ा है, डिपॉजिट्स में कहीं पे 22% का ग्रोथ हुआ है। ये ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट ने फिलहाल में ही आके लोन बुक का ग्रोथ जो है वो गाइडेंस कट किया था 20% पे, और इसी के चलते हुए एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो वहाँ पे एडवांसेस में 16% का ग्रोथ देखने को मिला, डिपॉजिट जो है वो 10% से ही बढ़े, जो कि थोड़ा कम था, क्योंकि मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन था कि कहीं पे FY25 में 22-25% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें ESAB स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो वहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था एडवांसेस में और डिपॉजिट्स में भी, बट सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कहीं पे ग्रॉस NPAs और नेट NPAs में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। अगर हम ग्रॉस NPAs की ही बात करें तो कहीं पे 185 बिप्स का उछाल देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस से। इसके लिए कंसर्निंग एरिया ESAB स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये हो सकता है। और आखिर में NBFC नज़र रखते हैं, क्योंकि पूना वाला फिनकॉप के नंबर्स आए हैं हमारे पास, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। डिसबर्समेंट में कहीं पे 5% का ग्रोथ देखने को मिला, AUM जो है वो भी 52% से बढ़ा है, और ग्रॉस NPAs भी कहीं पे 1% से नीचे रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो Q1 के अपडेट्स अगर हम बैंक्स की बात करें और NBFCs की बात करें तो एक डिसेंट नंबर हमें देखने को मिला, और इसी के चलते हुए आज के दिन में हम इन सब काउंटर्स पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। तो बिजनेस अपडेट्स की लंबी लिस्ट है और लिस्ट और लंबी होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नतीजों के करीब जाएंगे, ये लिस्ट आपको और लंबी होती दिखेगी। तो एक बार एक काम करते हैं, आप ये देख लीजिए, एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर बिजनेस अपडेट अच्छे हैं, कहाँ पर कमज़ोर हैं। पूनावाला फिनकॉर्प के अच्छे बिजनेस अपडेट आए हैं, एग्जिगो के लिस्टिंग के बाद ये पहले नतीजे आए हैं, बिजनेस अपडेट नहीं नतीजे आए हैं, और ये नतीजे अच्छे हैं एग्जिगो के। बाकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अनुमान के मुताबिक हैं, IDBI बैंक के भी अनुमान के मुताबिक हैं, लेकिन कमज़ोर या फिर मिक्स्ड, HDFC बैंक कमज़ोर है, RBL बैंक कमज़ोर है, PNB के मिले जुले हैं, ESF SFB के भी मिले जुले नंबर हैं, Capital SFB के भी मिले जुले नंबर हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने, एक एक करके हम शेयरों पर राय भी लेंगे, और ख़ासतौर से HDFC बैंक, RBL बैंक और PNB के बारे में ज़रूर राय लेंगे कि आपकी रणनीति इसमें क्या होनी चाहिए, क्या HDFC बैंक में अब शॉर्ट के मौके खोजने चाहिए, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। बिजनेस अपडेट में से मेरे पास दो तीन सवाल है, जरा मैं पहले वो पता कर लेता हूँ। RBL बैंक का बिजनेस अपडेट एक बार स्क्रीन पे दिखाना, और अक्षय पी भागवत एक बार जरा RBL बैंक देखो, आपकी लिस्ट में है, बाय करोगे आप, कमी आई है इसकी ग्रोथ में? जी
तो न्यूज़ तो थोड़ा नेगेटिव है, और अगर आप प्राइस एक्शन भी प्राइस सेटअप पे देखें तो एक कल रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ था। रेजिस्टेंस है 270 से 273 का एरिया। तो अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो बहुत अहम रहेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है, इसके बाद आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक जल्दबाजी ना करें बाय करने में, हल्की सी नेगेटिव टिंज या थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है, जहाँ पे स्टॉक नीचे स्तर पे 255 का जोन टेस्ट कर सकता है। तो नरमी रहेगी स्टॉक में जब तक 275 पार ना करे, आप आरबीएल बैंक बाय ना करे। डिप में 250-252 पे एक बार रिव्यू हो जाएगा कि सपोर्ट बेस होल्ड कर पा रहा है कि नहीं। और कीजिए आप फिर धर्मेश भाई, जब आपसे बातचीत हो रही है, इनफैक्ट काफ़ी दिनों काफ़ी सालों बाद आपसे बातचीत हो रही है, ये पूना वाला फिनकॉप का भी ना वो आया है एक बिज़नेस अपडेट। प्रोड्यूसर साहब एक बार ज़रा पूना वाला फिनकॉप का बिज़नेस अपडेट दिखाना और आप ज़रा इसके बारे में बताइए। ये कह रहे हैं कि हमारा AUM 52% से बढ़ोतरी हुई है YOY, और ये कह रहे हैं हमारे ग्रॉस और नेट NPA में सुधार की उम्मीद भी है, तो ज़रा इसको देख के और बताइए आपकी स्टडी क्या कहती है। देखिए, पूना वाला फिनकॉर्प काफ़ी एक बेहतरीन NBFC के तरह उभर के सामने आया पिछले 2 साल में, और इसका जो AUM ग्रोथ है 50% के आसपास, ये रन रेट काफ़ी स्टेडी रहा है। पिछले आप 8 क्वार्टर के इसके अपडेट्स देखिए तो हमेशा से कंसिस्टेंटली ये इनकी एसेट ग्रोथ बढ़ती रही है, AUM ग्रोथ। एट द सेम टाइम एसेट क्वालिटी को काफ़ी इन्होंने कंट्रोल किया और बेहतर करते गए हैं, और हर बार इन्होंने गाइडेंस ही दिया है कि नेक्स्ट क्वार्टर में जो एसेट क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस हिसाब से कंपनी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम लोग तो काफ़ी पहले अराउंड 190-210 के आसपास से इस पे बाई करने की सलाह दी थी, रिकमेंडेशन थी, बट फिर स्टॉक प्राइस कुछ बढ़ गया, वैल्यूएशन के मल्टीपल्स पर काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर आ गया था, तो वहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह दी थी। एक खाली वरी पॉइंट ये था कि प्रमोटर सेलिंग बीच में आई थी, सो दैट वाज अ नेगेटिव फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी। अभी जो कि ये करेक्ट हो रखा है, ऑलरेडी 400 के आसपास आ रखा है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया हो, साल सवा साल के लिए अगर आप रुकने को तैयार हो, तो वापस से यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। निम्स एसेट क्वालिटी एंड रन रेट इनका मेंटेन रहेगा, थोड़ा सा जरूर महंगा है, मोर देन 4 टाइम्स प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल के हिसाब से, वो डिस्काउंट करके आपको रखना पड़ेगा, चलता रहेगा। 500-550 का प्राइस टारगेट लगता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए साल भर रुकना पड़ेगा इसके लिए आपको। ठीक है, तो ये पूना वाला फिनकॉप को लेकर ये पूरा का पूरा आपके लिए अपडेट हो गया। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। अच्छा, पूना फिनकॉप साथ एक काम करते हैं ना, PNB के बारे में व्यू ले ही लेते हैं। अक्षय जी, आप बताइए, अपडेट्स जो आए हैं वो मिले जुले आए हैं PNB के, और हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाले फेज में भी शेयर चला गया है। PNB आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर और क्या करना चाहिए इसमें? थोड़ा म्यूटेड एक्शन है, वॉल्यूम्स काफी धीमे हैं PNB में। अब देखे 121 के आसपास ही सीमित रहा स्टॉक गए 4 ट्रेडिंग सेशन से, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा मोमेंटम रिगेन करना बहुत जरूरी है स्टॉक। हालांकि सपोर्ट पे ही ट्रेड हो रहा है, सपोर्ट इसका है 118 से 120 का रेंज, तो मैं कहूंगा अगर 123 स्पॉट पे PNB क्रॉस करेगा तो ही बाय बनेगा आपका। वो अगर क्रॉस करता है तो आपके टारगेट 128 तक शॉर्ट से मीडियम टर्म आप टारगेट बना के चल सकते हैं। अगर वो ना क्रॉस करे तो थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन या जो पेन है एक्सटेंड होके आपको 118 या 115 तक दिख सकता है, तो कंडीशनल बाय रहेगा। वो लेवल ब्रेक करेगा 123 तो ही बाय करे PNB, ये राय रहेगी मेरी।